नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। जीवन की भाग दौड़ में हमें कभी कभी इतना समय भी नहीं मिल पाता कि जीवन को कुछ बेहतरी दे सके। ऐसे व्यस्त जीवन में आज के इस दो आसन को जरूर कर लीजिएगा। आपको लगेगा कि जिस जीवन को हम खपा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज चमक भी रहा है, और इस चमक के साथ जीवन कुछ ज्यादा बेहतरी के साथ प्रकट होगा। तो इस दो जरूरी आसन को ठीक ठीक आज समझिएगा। पहला आसन और दूसरा आसन दोनों अपने आप में परम है, लेकिन सही सही करना और समझना वो करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले समझ लें कि हम इस आसन को करेंगे कैसे। आपको पूरा व्यूज हो इसलिए हम चाहेंगे इस क्लॉथ को थोड़ा साइड में रखें। सबसे पहले एक मैट होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। मैट के आखिरी में आप देखिए पंजे को मैंने रखा है हिप डिस्टेंस पे, घुटने को हिप डिस्टेंस पे रखेंगे और हथेली को हम थोड़ा सामने, यानी कंधा मेरा यहाँ आ रहा है तो कम से कम थोड़ा ज्यादा दूरी पे रखेंगे अपनी लंबाई के हिसाब के। दोनों हाथ के बीच में छाती के बराबर दूरी रहे, हथेली सीधी हो, ऐसी आड़ी तिरछी नहीं। अब यहाँ से आप सांस लेते हुए आसन में आएंगे। मैं बताऊंगा कि इस आसन को क्यों चुना हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है। दो आसन को क्यों चुना हुआ आपके। श्वास लेते हुए धीरे धीरे मैंने घुटने को ऊपर उठाया, हिप को ऊपर उठाया, हिप को पीछे की तरफ जाने दें सिटिंग बोन को, और कंधे को हाथ सीधा रख करके प्रेस करें, सिर नीचे की तरफ जमीन की तरफ आ जाए। शुरुआत में आप दोनों पाँव को बेंड रखें ताकि स्पाइन आपकी सीधी और ज्यादा खुले। बाद में आप चाहें तो पाँव को सीधा भी कर सकते हैं, हिल को नीचे भी जमा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि अगर किसी को बैक में पेन है, यानी आपके स्पाइन में कुछ भी समस्या है, दर्द है या बैक स्टिफ है, तो आपको नी को बैंड करके ही करना है। स्लिप डिस्क है, कमर दर्द है, स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम है, और इस आसन में आने के बाद नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहना है। इस आसन को एक से दो बार आप रिपीट कर सकते हैं, और आसन में जितना देर रुकेंगे सहजता से बिना एफर्ट किए उतना ये असर दिखाने लगेगा। तुरंत लगेगा कि शरीर का थकान मिटा, चेहरे पर एक ताजगी खिल जाएगी, आंखों के लिए अच्छा है, ब्रेन को शांति देगा, पूरे फुल बॉडी को आप देख रहे हैं कि अपाद मस्तक जिसको कहते हैं कि सिर से लेके पांव तक और हाथों तक, देखिए हाथ का पूरा एरिया, पांव का पूरा एरिया, बैक का पूरा एरिया, कुछ बचता ही नहीं। अधोमुख श्वानासन, आप जानवर को भी देखते हैं डॉग को दौड़ते भागते बीच बीच में यह आसन कर लेता है, उसी से हमने सीखा है। उनका कोई अस्पताल नहीं है, कोई थेरेपी सेंटर नहीं है, लेकिन आसनों के जरिए हम अपने आप को बेहतर करते हैं, उसी तरह वो भी बेहतर करते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण आसन है, कामयाब आसन है, जरूरत पड़े तो थोड़ा करीब भी ले आएंगे चीजों को स्पष्टता से दिखाने के लिए, सेतु बंद सर्वांग आसन। सेतु बंद अपने आप में जो नाम है, सर्वांग श्रेणी का आसन, यानी सभी अंग को जो कामयाबी दे बेहतर करे। क्या करेंगे, शवासन में जैसे लेटते हैं लेट जाएंगे, अब दोनों पाँव को बैंड करें, कितनी दूरी पर रखना है हिप के बराबर दूरी पे। बारीकी से समझिए, आपको ऐसा लगे अरे मैं तो सेतु बंद जानता हूँ और वीडियो बंद कर देते हैं, नहीं, कई त्रुटियां होती है उसको समझिए। दोनों पाँव के बीच में क्या करेंगे, हिप का डिस्टेंस, अगर ऐसे रखते हैं गलत है, चिपका के रखते हैं तो गलत, हिप के बराबर क्या है, तो आपकी स्टेबिलिटी आसन में और ओपनिंग बेहतर होगी। दोनों यानी हिप और हील के बीच में चार उंगली के करीब गैप हो, अगर यहाँ रखेंगे तो संतुलन ठीक नहीं रहेगा, अगर चिपका देना है कई लोग वो गलत है, तो चार उंगली की दूरी बनाए रखें कम से कम। हाथों को बाजू में यानी शरीर के साथ चिपका के रखें। अब पंजे को दबाएंगे और धीरे धीरे पैल्विक रीजन को ऊपर उठाएंगे। ख्याल रहे जब आप ऊपर उठे, पहला नियम भी मैं पूरा उठा नहीं हूं लेकिन नियम बता रहा हूं, सांस लेते हुए उठाना है। आसन में आने जाने में स्थिति सांस की समझनी है, आसन में ठहर रहे हैं तो सांस लगातार लेते छोड़ते रहेंगे, लेते हुए उठाएंगे, और ध्यान देना है कि मेरा पैर उठे नहीं। कई लोग ऐसे उठा लेते हैं, गलत है,
इसको उठाइए नहीं, चिपकाइए और दबाइए, और पैल्विक को लिफ्ट करेंगे तो ध्यान रहे कि घुटना फैले नहीं। जैसे ये घुटना फैलेगा लंबर बैक पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, इसलिए इसको सीधा रखें और धीरे धीरे कंधे को, गर्दन को, सिर को भी ना उठाएं। इसको भी ना उठाएं, आप इंटरलॉक चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ शोल्डर में और ओपनिंग आएगी, पैल्विक उठने लगेगा, हाथ को भी सपोर्ट पे लगा सकते हैं इस तरह से। ये आसन की पूर्ण स्थिति है। अब यहाँ पर आप श्वास छोड़े, पेट को अंदर करें, वशिष्ठ प्राणायाम की तरह श्वास लेते हुए पेट को फुलाएंगे। इस आसन में अगर मान ली ज्यादा ऊपर नहीं हो पाता है तो आप ऐसे रख के भी श्वास लेते रहें, तो वशिष्ठ प्राणायाम यहाँ करेंगे तो इस आसन का असर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा वापस आने के लिए नीचे। अब इस आसन को सर्वांग आसन क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए 2-5 मिनट और। हम जब इस आसन में आते हैं तो ये क्या करता है, थाई को ओपन करेगा, पैल्विक फ्लोर को मजबूत करेगा, तो सेक्सुअल रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसको खत्म करेगा, पीरियड में प्रॉब्लम है, पेनफुल सेक्स है वो सब समाप्त होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या पुरुषों का है वो कभी नहीं होगा, है तो कम खत्म होने लगेगा। एक यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड है तो ये क्या करता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके बैलेंस में रखता है, तो स्ट्रेस हार्मोन को मैनेज करते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या है, वो जो हाई बीपी की समस्या है उनको इस आसन को खासतौर पे करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के लिए अच्छा है, और हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी में किडनी पे आपका कांस्टेंट प्रेशर आता रहता है, इसका ख्याल रखेंगे। दूसरा तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है कि जैसे हम करते हैं तो देखते हैं हार्ट ओपनिंग, लंग्स ओपनिंग, लीवर के लिए अच्छा है, खासतौर पे थायराइड के लिए अच्छा है, क्योंकि इस आसन में आप पहली बार क्या स्थिति में रहते हैं कि आपका सिर नीचे हो जाता है और हार्ट ऊपर। हमेशा क्या होता है कि हमारा सिर ऊपर रहता है और हार्ट नीचे, लेकिन इस आसन में आपने क्या देखा कि मेरा हार्ट ऊपर हो रहा है और सिर नीचे। ये स्थिति हार्ट लंग्स के लिए इफेक्टिव है, थायराइड को ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम पहुंचता है, थायराइड प्रॉब्लम वालों के लिए भी अच्छा है। जब वापस आए तो आपको अपान आसन एक एक्स्ट्रा आसन कर देना है ताकि बैक को रिलीफ हो जाए। अपान आसन घुटने की समस्या में, बैक पेन में, अपचन में, गैस के प्रॉब्लम में सहायक है, और उसके बाद जस्ट 1-1.5 मिनट शांति से पड़े रहे तो टर्न करके हमेशा उठें। तो इतना सा भी अगर आप कर लेते हैं, सेतु बंध आसन और अधोमुख श्वान आसन, तो काफी लगेगा कि बॉडी इमीडिएट रिलीफ हो गया। तब कब करें, सुबह कर सकते हैं, ऑफिस से आए थके मांदे हैं, जीवन एकदम लग रहा है कि जिसे निचोड़ लिया गया है, तो यहां पर क्या करना है, ऑफिस से आते कपड़ा चेंज किए, मैट निकाले, 2 आसन कर लिए, फिर उसके बाद नहीं तो क्या होता, टीवी में मनोरंजन करने लगते हैं या खाने पीने में लग जाते हैं, ये भी भोजन है, ये 2 आसन और उसमें वशिष्ठ प्राणायाम जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में बड़ा भोजन है, वो भोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप खाते हैं, क्योंकि ये प्राण को पहुंचाता है ज्यादा सूक्ष्म ऊर्जा। आसन बहाना है ऑक्सीजन, प्राण पहुंचाना। तो इस तरीके से दोनों आसन का नियमित अभ्यासी बनिए, पूर्ण अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, वो तो करना ही करना है, लेकिन बहुत कम समय हो लगे, 2 ही आसन कौन सा करें, तो इस 2 आसन को आप डंके की चोट पर कीजिए, आपको लगेगा तरोताजगी आ गई। आप तुरंत इस 2 आसन को करिए और कमेंट कीजिए मुझे कि किस तरह से फील करते हैं, ताकि मुझे भी और अपने पर और आप पर दोनों पर खासा भरोसा हो जाए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, हरिओम।